हैदराबाद से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां आपको बता दें एक तरफ किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति में बड़े पैमाने पर खाद घोटाला कर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। मैनेजर और खाद विक्रेता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। ये मामला सामने आया कि सरकारी समिति में ऑडिट होने के बाद ये पता चला कि ये कोई छोटा मोटा खाद घोटाला नहीं बल्कि करोड़ों का घोटाला है, और ऑडिट होने के बाद ही घोटाले का सच सामने आ पाया। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में दो लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 409 पर मामला दर्ज कर मामले की शुरुआत कर दी गई है। वहीं जब वेरिफिकेशन हुआ तो वहां डीएपी खाद की कमी पाई गई। इस रिपोर्ट से पता चला कि खाद के स्टॉक को बेच दिया गया है और पैसे उसके खाते में जमा ही नहीं करवाया गया, और इन सब के अलावा भी खादों का स्टॉक मिला जिसकी कीमत करीब 1,93,35,000 पाया गया। जब करोड़ों का घोटाला सामने आया तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की शिकायत पर मैनेजर देवीलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज डेस्क, समाचार प्लस।